नाम ओआब आली, मेरा उम्र 22, मैं वेस्ट बंगाल से आया कलकत्ता इधर काम करने के लिए, और कैनर का काम। और 3 साल पहले ये आग अच्छा नहीं है, 3 साल पहले इधर आके ऑपरेशन करके ये आग डॉक्टर बोला ठीक हो जाएगा, तो अभी ठीक नहीं हुआ, समय लगेगा बोला डॉक्टर। मेरा नाम सिजारुल शेख, हम लोग को कलकत्ता से इधर काम करने के लिए आया था। हम लोग को गांव से हम लोग गांव से तो कलकत्ता से आया था पहले, उधर काम करने के लिए आया था। फिर वो आँख में वो रात को सोने का टाइम कुछ कुछ गया था, सोने का टाइम वो आँख रात को सोने का टाइम गया था। फिर वो आँख जल रहा है, आँख में थोड़ा पानी मार के वो आँख खुल के वो आँख का अंदर वो रेड कलर भी आया, इसलिए बोला आँख को मेरा ऐसा हाल है। मैं उधर से वो डॉक्टर है, डॉक्टर को देखाना हम लोग दिखाया। फिर वो डॉक्टर उधर से देख के वो हम लोग का गांव में चला गया। हम लोग गांव में जाके उधर आदमी बोला इधर डॉक्टर नहीं है, तुम लोग को नेपाल भी जाओ, नेपाल में अच्छा डॉक्टर है। वो नेपाल में गया हम लोग, उधर वो 5 बार गया था जाके, उधर वो 2 बार लेंस भिड़ाया आँख में। लेंस भिड़ाना बाद लास्ट में बोला वो लेंस निकाल के बोला वो आँख में ऑपरेशन करने पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने के लिए कितना खर्चा हुआ था होएगा बोला हम लोग, तो 2 लाख का ऊपर खर्चा हो जाएगा। आप हम लोग उधर से ऑपरेशन नहीं किया, हम लोग का पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग को आँख ऑपरेशन नहीं किया। फिर हम लोग इधर चलाया, इधर आके इधर वो काम करता है, हम लोग को कैनर का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर का। वो काम करने के बाद वो एक आदमी का देख के एक आदमी बोला तुम्हारा आँख में क्या हुआ, हम लोग बोला आँख में वो रात को सोने का टाइम वो कुछ गया था, उसी टाइम आँख ऐसा हाल है था आपका। तो आप किधर से दिखाया, हम लोग बोला वो नेपाल से दिखाया। उधर डॉक्टर क्या बोला, ऐसे बोला ठीक है। तो एलाफा में वो डॉक्टर आएगा उधर, वो पाली में जो कैंप है गवर्नमेंट का कैंप, वो कैंप पे इधर डॉक्टर आएगा, वो डॉक्टर के साथ तुम लोग बात करो, उधर डॉक्टर देखाएगा तो वो आँख ठीक हो जाएगा। हम लोग को दो डेट दिया, पहले एक डेट में हुआ नहीं, लास्ट का डेट में हुआ था। इधर संडे को हम लोग आया, आके डॉक्टर देख के हिलाल डॉक्टर देखा हम लोग को, देख के बोला तुम्हारा आँख को अंदर इन्फेक्शन हो गया, वो आँख ऑपरेशन करने पड़ेगा, नहीं तो दूसरा आँख का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग बोला तो करेगा ठीक है। बाद में वो हिलाल डॉक्टर बोला वो पैसा भी तुम्हारा वो खर्चा होएगा, कितना होगा, तो हिलाल डॉक्टर बोला 50,000 होएगा खर्चा, ठीक है करेगा, कोई भी थोड़ा डिस्काउंट करो, ठीक है वो कोई भी डिस्काउंट करेगा वो करके कर लो तुम लोग कर लो। मैं बोला ठीक है करेगा। और मंडे को ऑपरेशन किया, अभी आपका थोड़ा वो पहले जैसा है, अभी थोड़ा देख सकता है, उतना क्लियर नहीं है। वो डॉक्टर बोला वो टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, फिर वो आँख अस्त। डॉक्टर भी अच्छा है, वो सिस्टर भी अच्छा है, सब लोग इधर अच्छा है, हम लोग बहुत खुशी है।